दिस इज योर होस्ट विजय, और आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट कवर डिफेंडर हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग लेफ्ट कवर डिफेंडर्स इन द PKL, एज वेल एज जब भी हम देखते हैं उनको, मार्क्समैन के रूप में उनको माना जाता है. उनको एक निकनेम दिया हुआ है क्योंकि वो मार्क्स पहनते हैं जब भी कबड्डी खेलते हैं. सीज़न 1 के चैंपियन रहे हैं वो जयपुर पिंक पैंथर्स से. बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था उनके लिए, जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, जहां उन्होंने मोस्ट टैकल पॉइंट्स, 38 टैकल पॉइंट्स लिए थे फॉर द टीम, एंड दे इवेंचुअली वन द फर्स्ट सीजन ऑफ प्रो कबड्डी. रोहित राणा आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन इनटू दिस लाइव सेशन. जी, रोहित सर, आप मार्क्समैन के नाम से जाने जाते हैं प्रो कबड्डी में, मतलब आप, बहुत सारे फैंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि ये इनोवेटिव क्या है, मतलब जब आप मास्क क्यों पहनते हैं कबड्डी में, मतलब आपको ऑलरेडी आइडिया था कि कोरोना वायरस आने वाला है 2020 में, या मतलब क्या नहीं, उसका पीछे का रीजन? ऐसा नहीं, एक्चुअली फर्स्ट सीजन में हमारा सेकंड मैच था, पटना में था वो मैच, और पटना पाइस के साथ था। तो वहाँ पे मतलब मैच के एंड में मेरे को थोड़ी इंजरी हो गई, जॉ इंजरी हो गई, जो लिगामेंट डिसलोकेट हो गए थे, और सॉरी, मैंने लास्ट कैच मारी थी, तो इट्स ओके। तो मेरा जो लिगामेंट डिसलोकेट हो गया था, तो उसकी वजह से भी मेरे को पहले मैचेस खेलने के डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर बिना किसी सेफ्टी के खेलेगा तो ये इंजरी बड़ी हो सकती है, क्योंकि दोनों जो लिगामेंट्स डिसलोकेट हो चुके थे मेरे। तो फिर उन्होंने कहा, फिर अभिषेक सर जो हमारे ओनर थे, उन्होंने कहा कि कोई और कोई अल्टरनेट ऑप्शन है कि ये कुछ इसको मतलब सेफ्टी के साथ खिलाया जाए, क्योंकि खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम थोड़ा वो डिफेंस खेलते हैं। तो उन्होंने फिर उससे हमारे फिजियो थे गौरव करके, जो अभी अभी लास्ट लास्ट सीजन में जयपुर के उसके सॉरी बंगाल वॉरियर्स के फिजियो थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी मेरे को एक जॉब बैंड ला के दिया कि वो आगे जाके वो सब मास्क मैन के नाम से बोलने लग गए। जी. एक्चुअली हमें ये लगा कि ये कोई आपका वो था, हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि आपकी इंजरी हुई थी, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैंने वो नहीं नहीं कहा. इट्स ओके। एक्चुअली मैक्सिमम लोग मुझे यही पूछते हैं, इनफैक्ट मेरे जो मेरे आस पड़ोस में या मेरे गांव में या मेरे को बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो जिनको नहीं पता वो मुझसे पूछते हैं कि आपको फैशन है कि आप ऐसी किस लिए लगाते हो। कोई बोलता है कि अपने बीएड के लिए लगाते हो, कोई बोलता है अपने फैशन के लिए लगाते हो। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि जो इंजरी है और लिगामेंट डिसलोकेट थे, तो दैट टाइम मतलब मैं ये सबको यूज करता था। तो इतने डिफिकल्टी के टाइम पे भी मतलब आपने अपने आप को खेलना इतना मतलब प्रिपेयर करके रखा कि मैं हाँ खेलूंगा ये कैसे भी करके, एक्चुअली देखो वो ये जो मोटिवेशन था, कहाँ तो ये मिला एक्चुअली आपको मतलब? तो ये मतलब नया नया प्रो कबड्डी आया था, और मतलब ये कबड्डी की एक स्टार्टिंग पीक थी, तो हर कोई प्लेयर होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करना चाहेगा। तो मैंने भी जब अभिषेक सर ने कहा कि मैं अपने प्लेयर मतलब हमारे ओनर थे, उन्होंने कहा कि आप कि मतलब अपने प्लेयरों के साथ मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, कि मेरे को उनकी सेहत पहले है, खिलाना बाद में है। तो उसकी वजह से फिर मेरे को भी थोड़ा सा थोड़ा मैं भी थोड़ा मोरल डाउन हो गया, और मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा इमोशनल हो गया कि मैंने सर तो डेफिनेटली ये था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, और इतनी सारी मेहनत की है, तभी अच्छा टाइम आया, मतलब सबको दिखाने का टाइम आया गेम को, तो इंजरी करके मैं अपने घर नहीं जाना चाहता था. तो ये सब चीजें थी कि नहीं खेलना है तो खेलना ही है. तो जी, बहुत ही बेहद मतलब रियली सरप्राइजिंग, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने इतना हेलो इतना सफर करके भी आप पहला सीजन खेले, और इवन इनफैक्ट आप जयपुर पिंक पैंथर्स के टॉप डिफेंडर थे सीजन 1 में, और आपने टाइटल जितवाने में भी बहुत मदद करी जयपुर पिंक पैंथर्स को. जी रोहित सर, आपके स्टार्टिंग डेज के बारे में हमें बताइए, लाइक आपने कबड्डी कैसे खेलना शुरू किया, और मतलब किसने आपको मोटिवेट किया इस गेम में लाने को? एक्चुअली मेरी फैमिली भी में मैक्सिमम सब प्लेयर्स ही हैं, जैसे मेरे फादर बॉक्सिंग करते थे आर्मी से, और मेरे चाचा है वो भी वेट लिफ्टिंग कबड्डी खेलते थे आर्मी से, तो थोड़ा उनको भी देख के। और फिर मैं एक बार हमारे सीनियर स्टेट हुई थी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई कबड्डी पहले खेलता नहीं था,
तो खेलता था, मतलब इतना इंटरेस्ट से कोई नहीं खेलते थे वहाँ, क्योंकि फुटबॉल क्रिकेट और इन सबका क्रेज ज्यादा था यहाँ पे। तो उस टाइम फिर मैं सीनियर स्टेट खेलने गया था मंडी में, तो वहाँ मैंने कई प्लेयर को देखा, मेरे सीनियर प्लेयर थे जितने भी जो अभी खेलना छोड़ चुके हैं, तो उनको देखा मैंने खेलते हुए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक हॉस्टल की टीम आई थी बिलासपुर साई हॉस्टल की, तो उसके उस टाइम मेन रेडर थे अजय ठाकुर, जो प्रो कबड्डी के बहुत बड़ा नाम, जो कबड्डी टीम, जो कबड्डी जगत के बहुत बड़े नाम है। तो उनकी भी गेम देखी, तो मुझे भी लगा कि नहीं मुझे भी खेलना चाहिए, छोटे प्लेटफॉर्म से बढ़कर आगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो तो हॉस्टल में जाना ही जाना है, कि मैं हॉस्टल में गया। हॉस्टल में फिर अजय ठाकुर और मैं सब साथ में खेले, फिर यहाँ सफर शुरू हुआ। वैसे बस यही था। आपने जैसे कि मेंशन किया कि मेरी और अजय ठाकुर जी की बहुत क्लोज फ्रेंडशिप रही है, और आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी उस हिसाब से 8 years तक आप दोनों एक साथ रहे हैं, तो अजय ठाकुर जी के साथ वो दोस्ती कैसे बनी आपकी, और मतलब कैसी रही? हमारा लाइव स्ट्रीम अभिषेक जी देख रहे हैं यू मुंबा के। हाँ मैं देख रहा हूँ, अभिषेक भी देख रहे हैं जी। सोन कुछ कहिए तो। हाँ एक्चुअली अजय ठाकुर जब हम मतलब छोटे ही होते थे तब हम साथ से खेल रहे हैं, अभी 8 साल से तो मैं हॉस्टल में था, उससे हम काफी लंबे समय तक साथ में रहे हैं। मैं उनके घर में भी रहा हूँ कई साल, तो मैं उनके घर भी रहा हूँ, उनके क्लब से खेला हूँ कई साल, और उनके घर के ऐसा फैमिली मेम्बर ही है हमारे वो, और उनके बड़े भाई वो बहुत मोटिवेट भी करते थे मेरे को, वो भी कबड्डी प्लेयर थे। तो मैं हॉस्टल के बाद मैं वो अजय ठाकुर जी एयर इंडिया चले गए, वहां से उन्होंने मेरे को एयर इंडिया बुला लिया कि ऐसे ऐसे आपको छुट्टी दे रहे हैं यहाँ के कोचेस, तो आपको आना होगा वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया, फिर हम वहाँ पे साथ में थे, मैं अजय ठाकुर, अनूप भाई, जितने भी थे, दिनेश सर, ये सभी बड़े बड़े, पंकज शेषा, हम सब साथ में थे वहाँ से। तो मैक्सिमम मैं कोई मतलब 8 या 10-12 साल साथ में हम लोग खेले, और हिमाचल से तो हम लोग साथ में खेलते हैं हमेशा। आपका कबड्डी का जो शुरुआत रहा बहुत ही इंस्पायरिंग रहा एक तरह से, मतलब जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ आपका जो इनॉग्रल सीजन था उसमें आपके 38 टाइटल पॉइंट्स थे और टाइटल भी जीता है आपने, एज डिफेंस में बहुत आपका सपोर्ट रहा, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां आपको इतनी बड़ी इंजरी हो गई थी। प्रो कबड्डी में खेलना पहली बार, वो एक्सपीरियंस जो होता है और इतना बड़ा खिताब मिल जाना, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए ना हमें। एक्चुअली प्रो कबड्डी जब से स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले एक केपीएल हो चुका था, मतलब प्रो कबड्डी से पहले भी एक केपीएल हुआ था, वो मैं खेला नहीं था उस टाइम, उस टाइम मुझे इंजरी थी तो इस करके मैं खेला नहीं हूँ। तो अब ये गेम है कि इंजरीज की गेम है कबड्डी, अगर थोड़ा भी आप कुछ गलत कर दो तो इतनी इंजरी हो सकती है, तो उस टाइम मैं खेला नहीं। पर मुझे लगा ये उस टाइम वो तो था, वो इतने बड़े स्तर का नहीं था जितना ये प्रो कबड्डी था। और जब हम खेलना शुरू किया फर्स्ट, पहले दिन हमने जब देखा कि पहले दिन हमने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि इतने बड़े स्तर पे, मतलब इतने ऊपर वॉल्यूम में ऐसी चीज हो सकती है। पहले दिन तो हम लोग को लाइट्स में भी इतनी इतनी लाइट में, इतनी ऑडियंस में, और इतने मतलब हर चीज, हर जगह कैमरा, उसमें थोड़े कॉन्शियस से हो रहे थे हम लोग, मतलब कि आंखों में लाइट पड़ रही है, थोड़ा खेलने में प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे से। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मैचेस बढ़ते गए वैसे वैसे बहुत खुशी होती गई, और फिर नेम फेम रिस्पेक्ट और मनी अर्निंग सब कुछ होने लगा, तो काफी खुशी हुई कि नहीं चलो कबड्डी पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया, ये सब कोई बता, आज कबड्डी बहुत ऊपर पहुंच गया भगवान की इतिहास से। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, और प्राउड भी फील करते हैं कि हम लोग पहले प्रो के पहले विनर हैं, काफी प्राउड भी होता है इस चीज का। तो मतलब ये प्रो ने हमें एक ना मतलब एक लेवल दे दिया, हमें मतलब कि प्लेटफॉर्म दे दिया कि नहीं हम है कुछ। जी 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 अब तक के कबड्डी करियर में अगर आप देखें, ऐसा कौन से कैप्टन है जिनके अंदर आपने सबसे ज्यादा सीखा और आपको बहुत पसंद है उनकी कैप्टनसी? एज अ कैप्टन अगर अगर आप इंडिया टीम में देखें तो अनूप कुमार काफी अच्छे कैप्टन है, अजय ठाकुर, और अगर हम देखें हम लोग जैसे हमें ONGC में था, एज अ कैप्टन मनप्रीत सिंह भी काफी अच्छे कैप्टन रह चुके हैं, मनप्रीत सिंह भी हो गए, अजय ठाकुर जी हो गए, अपने अनूप कुमार जी सबको पता ही कैप्टन कूल है,
तो कैप्टन्स यही है बढ़िया, अभी तो इंडिया के टॉप के कैप्टन्स यही है, और मनदीप सर तो अभी, मनदीप पाजी तो अभी टॉप के कोच भी हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टिकिंग एंड स्टेइंग विद अस, बहुत अच्छा लगा आज रोहित सर से बात करके, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है उनकी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि इतना सब कुछ जानने को मिल रहा है उनसे। सो हम वापस आएंगे न्यू कबड्डी फेस के साथ और उनसे आपकी पहचान कराएंगे। टिल देन आप अपने अपने घरों में सेफ रहिए, स्टे एट योर होम्स, स्टे विथ योर फैमिली, और जितना हो सके अपना टाइम बहुत अच्छी तरह बिताइए आप। सो थैंक यू सो मच गाइज़।